मेरठ में बिजली विभाग के कर्मचारी कामकाज ठप करके अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। कर्मचारियों का कहना है कि वो अपनी मांगों से अधिकारियों को बार बार अवगत करा रहे हैं, लेकिन हमारी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम दिन रात जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। कई बार हमारे साथियों के साथ काम करते वक्त दुर्घटना हो जाती है, पर कोई भी अधिकारी उनको जाकर नहीं देखता, जिस बात को लेकर उनके बीच काफी रोष का माहौल है। साथ ही उन्हें अपने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर भी अनसुना किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर हम उसका विरोध करते हैं तो हमें अधिकारी धमकाते हैं, जल्द ही अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हर वक्त जेब में मौत रहती है हमारे, समझ गए नहीं? और ऊपर से ये जो लुटिया चोर बैठे ना अधिकारी, ये तुम्हारा कभी भी भला नहीं कर सकते, ना ही तुम्हारा भला चाहते। पेमेंट चाहिए और नामिनी दिवालिया ढेरे मनवा दूंगा उनके सब की, और मैंने ये एफआईआर कर दिया था, जेल में भेज दिए। वही इन्हीं बिजली कर्मचारियों के साथ क्या कुछ गुजर रही है, चलिए जानते हैं इन्हीं कर्मचारियों के मुंह से। हम लोगों की मांग लगातार यही चली आ रही है कि हम लोगों को ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके विभागीय दायर किया जाए, लेकिन अभी तक कई सरकारें आई और चली गई, हमें अभी तक कोई विभागीय लाभ नहीं मिला है। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, दो तीन महासंघ हैं हमारे साथ में जो जुड़े हैं हम लोगों से, इन लोगों की भी यही मांगे कि ठेकेदारी प्रथा समाप्त करके डायरेक्ट विभाग से इम्प्लीमेंट कराई जाए, तो एक साथ होकर के हम लोग रणनीति बनाने के 2019 के चुनाव से पहले कुछ ऐसा किया जाए कि सरकार की नींव मिला दी जाए, और अगर सरकार हमें विभागीय करती है तो हम लोग सरकार के साथ हैं, अन्यथा की स्थिति में हम लोग बिल्कुल सरकार के खिलाफ जाएंगे, कोई हम लोग ना वोट देंगे और प्रचार जो है वो भी हम लोग सरकार के खिलाफ करेंगे। 2019 से पहले पहले अगर हम लोगों को विभागीय कर दिया जाता है तो हम लोग साथ हैं, ना अन्यथा की स्थिति में हम लोग चुनाव का बहिष्कार करें। इस चीज़ को लेकर क्या मांगे? आज हमारा धरना ये अखिल भारतीय मजदूर महासंघ उत्तर प्रदेश आया हुआ हमारे पास में, और हम सब आज ये रणनीति तय कर रहे हैं कि जितने भी पूरे उत्तर प्रदेश के आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं सभी को लेकर एक रणनीति तय की जा रही है कि बिचौली हटाकर ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर डायरेक्ट विभाग से वेतन लेने के लिए रणनीति पर विचार किया जा रहा है। कुछ अधिकारी नहीं सुन रहे और कुछ सरकार भी नहीं सुन रही है, सरकार बिल्कुल हट धर्मी पर अड़ी हुई है, और बिल्कुल ही सरकार इस टाइम तो ये सोच रही है 6-6 महीने हो जाते हैं लड़कों को पेमेंट नहीं मिल पाता है, 4-4 महीने का 6-6 महीने का पेमेंट नहीं मिलता, और लड़के जो गिरकर हर रोज़ नए हादसे हो रहे हैं, लड़के मिट जाते हैं, उनके परिवार के लिए भी कोई इतनी बड़ी सहायता राशि नहीं दी जा रही। मेरठ से आलम सिद्दीकी की रिपोर्ट, हेडलाइंस हलचल। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय चैनल।